नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। आई एम प्रदीप एंड आई एम गोइंग टू टीच यू पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 9। दिस इज चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन या संविधान निर्माण। वी विल कवर टू टॉपिक इन दिस वीडियो। द वेरी फर्स्ट वन इज नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की क्या आवश्यकता है। और सेकंड है फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान के क्या क्या काम है, किस फील्ड में ये वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ रूल्स ऑफ द रोड। हम लोग पढ़ते थे क्लास 6 में भी एक है चैप्टर कि रूल्स ऑफ द रोड, सड़क पर चलने के क्या क्या नियम होते हैं। जस्ट इमेजिन फॉर ए मोमेंट कि देर इज अ मोटरिस्ट और देर इज अ कार ड्राइवर एंड ही इज ड्राइविंग हिज कार अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश। वो अपनी मर्जी से चला रहा है, आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमानी ढंग से, मनमर्जी। ही इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स। फिर वो फुल स्पीड में चला रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिग जैग मोशन में वो कार को चला रहा है और ये सोचते हुए कि मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं एंड आई कैन डू वॉट एवर आई लाइक। फिर ऐसे ही कोई बाइक वाला है, बाइक वाला भी फुल स्पीड में जा रहा है, जहां मर्जी किया मोड़ दिया, यू टर्न कहीं से भी ले लेता है एंड ही इज ऑल्सो ब्रेकिंग द वेरियस रूल्स ऑफ द रोड। फिर इसी तरीके से कोई साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है और साइकिल चलाने वाले की भी कोई अधिकार होते हैं, वो भी रोड पर चलने का अधिकारी होता है। ही इज ऑल्सो हैविंग राइट टू मूव ऑन द रोड। या साइकिल वाला भी अपने मनमर्जी ढंग से चल रहा है, अपनी लेन में नहीं चल रहा है। या पैदल चलने वाले लोग, जो जिसको हम पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पैदल चलने वालों को तो अधिकार ही नहीं है रोड पर चलने का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो रूल्स ऑफ रोड अगर नहीं है तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। देयर विल बी नो रूल्स। इस तरीके से अगर हम देखेंगे, हम पाएंगे कि ये रूल्स ऑफ रोड अगर नहीं है तो कितनी ज़्यादा केओस, गड़बड़ी पैदा होगी। द ट्रैफिक विल बी नॉट स्मूथ, एक्सीडेंट्स विल बी हियर एंड देयर क्वाइट ऑफन, और लोगों को जो तमाम दिक्कतें होंगी वो अलग है। इस तरीके से ट्रैफिक जाम्स भी होंगे, इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। तो संविधान भी उसी तरीके से है। हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। दे आर हैविंग देयर ओन रिलीजन, दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर सेक्ट्स। तो ये जरूरी है कि उनके बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन हो, एक अच्छा संबंध हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो ये अवॉइड करता है क्या, कॉन्फ्लिक्ट को, यानी झगड़े को खत्म करता है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को ये सार्थक करता है। फिर ऐसे ही है लॉ एंड ऑर्डर, इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को बनाने में ये मदद करता है। वैसे ही सरकार को चलाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। सरकार कैसे चल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिटरमाइन करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्यों आवश्यकता है और कितनी अहमियत है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो हमने संविधान की आवश्यकता क्यों है ये इस पर फोकस किया,
Now we are going to focus on functions of the constitution. The very first function of the constitution is it generates degree of trust. Yes, सरकार और citizen के बीच में जो trust है, विश्वास है, उसको बनाए रखने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है. अब एग्जाम्पल हम देखें तो हर नागरिक सरकार से उम्मीद लगाता है. एवरी सिटीजन है द होप फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग जस्टिस. हर नागरिक ये उम्मीद लगाए रहता है कि हमको कहीं किसी और से अगर नहीं मिला न्याय तो सरकार से न्याय जरूर मिलेगा और सरकार इस कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से हमको न्याय देगी. तो ये एक विश्वास बनाए रखता है. द नेक्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कि किस तरीके से सरकार का गठन होगा, किन आधारों पर होगा, ये सारी चीजें ये संविधान तय करता है. इट डिफाइंस द प्रोसीजर एंड द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. फिर थर्ड वन इज इट डिफाइंस द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट है तो उसके काम क्या होंगे. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जिस काम से जनता संतुष्ट नहीं है. द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी फेयर. इट मस्ट नॉट बी इरिटेटिंग. इट मस्ट नॉट बी अप्रेसिव. यह किसी भी तरीके से लोगों को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए. अब जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और स्कीम्स हमारे लिए बनाती है और ये स्कीम इसलिए होते हैं सो दैट वी कुड लिव आवर लाइफ कंफर्टेबली. हम अपना जीवन बहुत ही आराम से अपना बिता सकें इसके लिए तमाम योजनाएं हैं. हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं और वो स्कीम्स का फ़ायदा उठा करके लोग अपना जो है कि तरक्की करते हैं. इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में द फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि उसमें किस तरीके से जो मोनार्क रहता है, जो किंग रहता है, ही वॉज एब्सोल्यूट. वो एब्सोल्यूट रहता है. एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर है. तो ऐसा करने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट मिनिमाइजेस द पावर एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट. अगर ऐसा होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास पावर जाएगा तो श्योरली ही और शी विल मिसयूज दैट पावर. उस पावर का दुरुपयोग करेगा. तो पावर का जो है कि कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए. पावर मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड. पावर एक जगह ना होकर के डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी इसका पावर को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिससे किसी एक व्यक्ति के पास पूरा पावर नहीं रहेगा और इससे पावर का मिसयूज नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग इज इट एम्पावर्स द सिटीजन्स. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. यह लोगों को ताकत देता है, उन सभी नागरिकों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिस शक्ति का इस्तेमाल करके लोग अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ही हम सबको एक ऐसी शक्ति देता है कि हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं. इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये नागरिक तय करेंगे कि हु विल गवर्न, हु विल रूल अस. हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, ये हम तय करेंगे. इट मीन्स द रियल पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल. आम जनता के हाथों में रहती है, ये तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी या हमारे ऊपर शासन कौन करेगा.
इसी तरीके से इट गिव्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू ऑल। ये सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, व्यक्ति के पास अगर सम्मान न हो तो उसका जीना जीना नहीं होता है, उसका जीवन जानवरों से भी बदतर होता है। तो अगर व्यक्ति के जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, ऐसा नहीं कि कोई डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी का या हायर क्लास से बिलोंग करने वाला है और वो जो है कि लोअर क्लास के लोगों को या डाउन ट्रोडन लोगों को क्या करता है, वो उनको जो कि परेशान करता है, ऐसा नहीं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, यानी हम ऑल आर इक्वल और इस आधार पर हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना अपने अंदर रखते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग सच राइट्स। इसी तरीके से डिग्निटी, हर व्यक्ति का जो सम्मान है, गौरव है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बढ़ाता है। और इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे इंडिविजुअली या फिर हम देखें एक सभी सार्वभौमिक तरीके से, कितना अहमियत रखता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।